पहले हम लोग थोड़ा इधर उधर घूम रहे थे, तो मैं आउटफिट थोड़ा फ्री वाला रखी थी, बट वहाँ जाने से पहले आपको बिल्कुल लॉन्ग पहनना है, काफ़ी रूल्स है वहाँ पे, स्ट्रिक्ट रूल। मैंने भी गेरवा धोती ले लिया था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। द टेन गेट सिंबलाइज द टेन प्रिंसिपल डायरेक्शंस डिस्क्राइब्ड इन इंडियन कल्चर एंड रिफ्लेक्ट द वैदिक सेंटिमेंट्स ऑफ इनवाइटिंग गॉडनेस फ्रॉम एवरीवेयर फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। अक्षरधाम बहुत ही बड़ा, ऐसा लगेगा आपको चारों धाम की यात्रा हो गई। बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है और बहुत लोग यहाँ आए हुए थे, लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आते हैं हर साल। और देखिए ऑफ सीजन था, फिर भी इतने लोगों की भीड़, आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे। हर चीज़ की व्यवस्था बहुत प्रॉपर तरीके से की गई है और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो गाड़ी अंदर जाने दिया जाता है, नहीं तो आप चल के जाइए या छोटी गाड़ी जाने की व्यवस्था है अंदर। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे अरेंजमेंट है, किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है, बट आपको अपने कोई भी सामान अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको वहाँ पे सिर्फ मनी बैग लेके जाना है, छोटी वाली मनी बैग होती है वही आप लेके जा सकते हो, नहीं तो कैमरा, मोबाइल और कोई भी सामान होगा आपको काउंटर में सबमिट करना होगा। यहाँ पे काउंटर है, काफ़ी लोगों की भीड़ है, देखिए काउंटर में, काउंटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके काफ़ी लाइन लगे हुए हैं, लेकिन काम बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है तो लाइन में ज़्यादा टाइम वेट नहीं करना पड़ता। गर्मी थोड़ी थी बट लोगों की भीड़ देखिए आप, बाहर से भी लोग आते हैं, लोकल लोग भी आते हैं। रात के वक्त अक्षरधाम में बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। वहाँ पर खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी सरप्राइज तो मैं भी आपको दूंगी दोस्तों, भले मैं आपको अंदर नहीं लेके जा पाई बट मैं अंदर का जो दृश्य है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता सकती हूँ। ये जो बुक देख रहे हैं, ये बुक हमें अंदर जाते ही मिली थी ताकि हम दसों द्वार के बारे में जान सके और हर द्वार तक हम जा कर के अंदर तक देख सके कि अंदर कैसा है, तो पूरा हमको उसमें डिटेल में जानकारी मिल गया था। और अंदर का जो दृश्य है दोस्तों बहुत सुंदर है, दसों द्वार आप जब अंदर जाएंगे तो लगेगा आपको स्वर्ग में पहुंच चुके हो, इतना सुंदर है। और बहुत ही सुंदर बनाया गया था पूरे जो धाम है, धाम को इतनी सुंदर कलाकृति की गई थी, हर जगह पर दीवार पर स्वामी नारायण की तस्वीर, बचपन से लेकर बड़े होते तक उनके बारे में डिटेल में बताया गया। रात के वक्त देखिए कैसे दिख रहा है कि इस तरह का दृश्य अगर आप सामने देखते हो तो आपको कितना अच्छा लगेगा। रात के वक्त तो मत पूछिए, हम तो वहाँ रात को ठहरे नहीं थे, लेकिन रात के वक्त जैसा वहाँ पर नज़ारा हमने देखा, रात के जो लाइट्स के साथ जो वहाँ का व्यू, ऑसम। और हमने वहाँ फोटो भी खिंचाया था, कैमरामैन था जो आधे घंटे में हमें फोटो दे भी दे रहा था। इतना मनमोहक दृश्य देखकर हर किसी का मन होता होगा कि काश हम भी वहाँ आए। जरूर आइए दोस्तों, ब्लॉग बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी भी हो और अगर आप आना चाहे तो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे आप हर चीज आपको आपके अनुसार परफेक्टली मिल सकता है। दोस्तों मैंने भी अपने हस्बैंड को रेडी किया और हमने भी फोटो ली। ये सब पल यादगार होते हैं और इनको हम कैद करना चाहते हैं अपने पास। अक्षरधाम से निकलकर हम पहुंचे इंडिया गेट, दिल्ली आए और इंडिया गेट नहीं देखा, इम्पॉसिबल है दोस्तों। मैं पहले भी दिल्ली आ चुकी हूँ और ये सब जगह मैं पहले भी घूम चुकी हूँ, बट कहते हैं कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बार बार जाए फिर भी दिल नहीं भरता। इंडिया गेट अपने आप में ही बहुत खूबसूरत एक जगह है, हमारे इंडिया के लिए हमारा गर्व है। और ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर उस वक्त बन रहा था सुभाष चंद्र बोस जी की 28 इंच ग्रेनाइट की प्रतिमा, जिस वजह से हम गेट के करीब नहीं जा पाए, बट बहुत ही सुंदर था। वहाँ से शाम का जो व्यू दिख रहा है, देखिए कितना अनोखा सा और कितना अच्छा फील हो रहा था। हर तरफ लोगों की भीड़, सब लोकल और बाहर सभी जगह के लोग यहाँ पे, हर बार आप देखेंगे कि कभी ये जगह खाली नहीं होती, लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम सिर्फ एक दिन के लिए दिल्ली स्टे किए थे और हमने एक दिन में 3 जगह घूम लिया, बहुत ही अच्छा लगा। अब हम इसके बाद अमर ज्योति
देखने जाएंगे जहां पर गांधी जी की समाधि है। ठीक यहां से पीछे आप अमर ज्योति भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों शाम का जो व्यू है, अमर ज्योति जहां गांधी जी की समाधि है यहां पर परेड किया जा रहा था। हमारे देश के नौजवान सैनिक हमारे गांधी जी के सम्मान में यहां पर परेड कर रहे थे। हमारे देश के सैनिक जिस तरह से हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सरहदों में खड़े रहकर हमारी रक्षा सुरक्षा का वचन लेते हैं, अपने परिवार अपने फैमिली को छोड़कर हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं, इन सभी सैनिकों को मेरा सत सत नमन। पहली बार मैंने इस तरीके से मतलब सामने से परेड देखा जो कि दिल्ली के जो न्यू दिल्ली के कह सकते हैं अमर ज्योति यहाँ पर देखने को मिला। ये मेरे लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था जो हमने फर्स्ट टाइम देखा। सोनालिका के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था ये सब। दोस्तों ये जो ईंटें देख रहे हैं इन ईंटों पे हमारे शहीद हमारे जवान देश के जो नागरिक हैं जिन्होंने अपनी देश की रक्षा के लिए हमारी रक्षा के लिए अपनी प्राण गवा दी, स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम यहाँ लिखा गया था। देख करके काफी तकलीफ हो रही थी कि लाखों करोड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी रक्षा के लिए देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी। मैं आज उन्हें सलूट करती हूँ, सत सत नमन करती हूँ और उनकी महानता के लिए उन्हें प्रणाम करती हूँ। देखिए सारी ईंटें खाली हैं, खुदा ना करे कि कभी इसमें किसी और का भी नाम आए। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब ये नहीं बना था, हाल ही में ये रेडी किया गया है और पीछे भी देख रहे हैं लाइन काफी दूर तक बनी हुई है, कुछ खाली है कुछ भरी हुई है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी फिटनेस के चैनल पे मैं ब्लॉग लेके इसीलिए आ रही हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्टेड रहते हैं कि मैम प्लीज आप ब्लॉग भी लेके आए। तो मेरे चैनल पर फिटनेस से रिलेटेड और ब्लॉग्स हमेशा आते रहेंगे। आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आते होंगे। मैं मिलती रहूंगी आपसे फिर ही, जल्दी आ रही हूँ नए ब्लॉग लेकर जो नैनीताल का होगा। बाय बाय।